subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इटावा महिला को बहला फूस लाकर किया अगवा। इटावा थाना एक दिल क्षेत्र के ग्राम कराईपुरा में वीरेंद्र नाम के व्यक्ति ने दो बच्चों की मां को बहला फूस लाकर कर गायब कर दिया। पीड़ित पति जयवीर अहमदाबाद में मजदूरी का काम करता है। पत्नी भूरी देवी दो मासूम बच्चों को विलकते हुए छोड़ कर फरार हो गयी। पीड़ित पति जयवीर का कहना है, पत्नी भूरी देवी जमीन की मिट्टी भट्टे में बेच दी थी, जिसका रुपए लगभग 4 लाख नगद रखा हुआ था और 3 लाख का सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गई, जिसकी शिकायत दिल थाने में पति ने की। वही रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पीड़ित कई दिनों से अपने मासूम बच्चों को लेकर न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन अभी तक नहीं मिला न्याय। पीड़ित ने SSP से लगाई न्याय की गुहार। इटावा जनपद में आए दिन आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है। नाम है आपका? मेरा नाम लालजीत है सर। अच्छा लालजीत जी, आपके गांव का नाम क्या है? मेरा गांव का नाम कराईपुरा है, मैं कराईपुरा में रहता हूँ। अच्छा, आप लोगों के साथ क्या घटना हुई है? हमारे साथ ये घटना हुई है, हमारी भाभी थी यहाँ पे, मेरा भाई था नहीं। मेरा भाई मजदूरी करता है और मैं यहाँ पे रहता था, ग्राम अभिलिया में रहता था। मेरी भाभी कराईपुरा में रहती थी और जो है अपने मेरे पास में कराईपुरा में जो मेरे भाभी को साथ में लेके गया है उसका नाम बीरंद है। तो लगभग कितने दिन हो गए होंगे जो आपकी भाभी को गए हुए हैं? ये 17 तारीख को गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो क्या पुलिस को आपने लिखे सूचना दी है इसकी? हाँ दी है सर, पुलिस सूचना दी है, उसमें कोई सुनाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है सर। तो क्या कारण है जो पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है? ये कारण है, उधर से कोई पैसा ऐसा दे दिया होगा सर, इसके लिए मेरी सुनाई नहीं हो रही है। तो आपका जो भाभी है यहाँ से, जो लड़का लेके गया है बीरेंद्र नाम का, तो लगभग कितनी राशि और जेवरात लेके गया है यहाँ से? ये सर 4 लाख रुपए लेके गया है और प्लस जेवरात साथ में ले गया है। मेरा नाम जयवीर है, मैं करीपुरा का रहने वाला हूँ। और ऐसे ऐसे 17 तारीख को घटना हुई है, वो तो बीरेंद्र नाम का लड़का हमारी घर से घरवाली को किडनैप करके ले गया है। मैंने रिपोर्ट लिखाई, पहले चौकी में लिखाई, फिर थाने में लिखाई, फिर SSP को भी लिखाई, कोई सुनाई नहीं। तो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं आपके जो पत्नी थी तो जबरदस्ती किडनैपर के ले गया है, लेकिन अभी तक पुलिस आपके इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं आप? हमारे छोटे छोटे बच्चे जो भिलक रहे, हमारी पत्नी घर पर आ जाए, तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आपके परिवार वालों का भी कहना है कि घर में जो रखे 4 लाख नकद करो जो रुपए और जो जेवरात भी लेके गई है, तो लगभग क्या क्या सामान गया आपका? हमारा सामान पूरा जेवर ले गई है और 4 लाख रुपए ले गई है। तो ये 4 लाख रुपए आपके घर में कहाँ से आए थे? वो हमारे कुछ मिट्टी के पैसे थे, कुछ हमने मजदूरी करके कमाए थे, वो भेगा करके रखे थे।